नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आपके सवाल का 25वां एपिसोड है और जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सवाल एपिसोड के अंदर मेरा जो लेटेस्ट वीडियो होता है उसके अंदर आप जो मेरे से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते हैं उनका मैं आपको आंसर देने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आप अपने जो क्वेश्चन है वो मेरा जो लेटेस्ट वीडियो होता है उसके कमेंट सेक्शन में पूछें, और अभी आप मुझसे नेक्स्ट टाइम कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपका कोई पर्सनल डिस्कशन है जो आप करना चाहते हैं तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 9828541102, उस पर आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। दोस्तों, अभी जो है आज मैं कौन कौन से सवालों का जवाब दूंगा वो मैं आपको बताऊं तो हम बात करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर किसी का कम हो और उसके साथ उनको ईडी और पीई यानी प्रीमेच्योर इजेकुलेशन की दिक्कत हो तो उसकी क्या बेस्ट मेडिसिन है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। किडनी स्टोन्स यानी गुर्दे की पथरी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एलोपेसिया टोटलिस यानी जब आपको जगह जगह से सिर से और इस तरह से बाल गिरने लगते हैं तो उसके बारे हम लोग बात करने वाले हैं। इसी तरह से वेरिकोसील के ऊपर एक क्वेरी आई थी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मॉर्निंग इरेक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। अगेन लो टेस्टोस्टेरोन, ईडी और डायबिटीज, ये सब साथ में हो तो उसकी मेडिसिंस की बात करेंगे। जिनको बार बार टाइफाइड हो जाता है, इस तरह के दो क्वेश्चन आए थे तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और एक क्वेश्चन है कि प्रोस्टेट की दवाई बताएं, और एक क्वेश्चन है कि अगर गले में कुछ अटका अटका सा लगे, थूक निकलने में भी दिक्कत हो तो उसके लिए क्या मेडिसिंस हो सकती है, नाइट फॉल हो और उसके साथ में कुछ नाइट में ड्रीम सपने वगैरह भी आते हो तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन या अगर कब्ज रहता हो तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और सोरेटिक आर्थराइटिस की दवा के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि हल्दी पीने के बारे में कि कौन कौन से लोग हैं जिनको हल्दी नहीं पीनी चाहिए जिससे वो हल्दी पीने से भी नुकसान हो सकता है, कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसके कमेंट सेक्शन के मैं आंसर दे रहा हूँ। अब अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आप मुझसे कैसे पूछ सकते हैं। पहली बात तो कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसमें जाकर उस टॉपिक को सर्च करके वहीं देख ले, वहाँ नहीं मिलता है तो आप वो उससे रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आंसर बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, अरबाज जी का है, लिखते हैं एज 22 ईयर्स है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो 392 है, ईडी है और पीएमई है, तो उसकी जो है आप बेस्ट मेडिसिंस बताएं, कई तरह की मेडिसिंस भी ली आराम नहीं मिला है। देखिए, इसके अंदर मैं आपको बताऊं अरबाज जी की, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है उसके साथ ईडी और पीएमई है तो इस एज के अंदर एक तो ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल बहुत होती है। मैंने मेरी क्लिनिक में ये देखा कि कुछ लोगों को थोड़ा मेडिसिंस की जरूरत होती है और साथ में थोड़ा सा कुछ चीज़ों को समझने की जरूरत होती है। इस चीज़ को अपने दिमाग में आप हावी नहीं होने दें, उसके साथ के अंदर थोड़ा सा आप डाइट अच्छी लें, हेल्दी डाइट लें। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए डाइट क्या क्या आपकी हेल्प कर सकती है उसके लिए मेरे चैनल पर वीडियो है, उसको आप देखें कि कौन कौन सा डाइट है, फूड आइटम्स टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल, वो आप देखें। और उसके साथ के अंदर मैं आपको एडवाइस करूंगा डेली 60 मिनट तक योगा करें, प्राणायाम करें या एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, आप कुछ भी करें, 60 मिनट तक आपको फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है। और कोई भी तरह की गलत आदतें पड़ी हुई है, मोबाइल वीडियोज वगैरह ज्यादा देखने की, नाइट में टाइम से नहीं सोने की, सुबह टाइम से नहीं उठने की, इन हैबिट्स को जरा अपना आप इंप्रूव करें। साथ में मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ वो लीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। पहली मेडिसिन है लाइकोपोडियम, उसको 200 पोटेशियम लेना चाहिए हफ्ते में एक बार, एवरी संडे सुबह सुबह। नेक्स्ट आपके लिए मेडिसिन है वो एसिड फोर्स मदर टिंचर, उसकी 10-10 बूंद आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, और अगर कहीं बिजी रहते हैं दिन में तो दिन में 2 बार ले लें, सुबह शाम ही ले लीजिए, 1 कप गुनगुने पानी के साथ में धीरे धीरे घूंट घूंट सिप बाय सिप लीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन है एग्नस केस्टस 30, उसको 30 पोटेंसी में आप सुबह शाम ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है टेस्टिस सिकाटी 3x, उसकी आप 4-4 गोली दिन में 3 बार चूसें। जैसा मैं कहता हूँ कोशिश करें मेडिसिन हमेशा बेस्ट कंपनी की लेने की कोशिश करें, जैसे मेरी क्लिनिक में डॉक्टर रैकवैग, SBL और WSI, इन 3 कंपनियों में प्रेफरेबली यूज करता हूँ, आप भी यूज कर सकते हैं या और कोई अच्छी कंपनी है तो उसकी यूज करें। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी स्टोन की अच्छी दवा बताएं। देखिए, किडनी स्टोन में बहुत डिपेंड करता है कि स्टोन की साइज क्या है, इसके अकॉर्डिंगली भी होती है। कई बार साइज अगर बहुत बड़ी होती है तो आपको ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है, लेकिन रूटीन में अगर किडनी स्टोन छोटा है एटलीस्ट मतलब 10 mm तक तो बहुत ही अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। यूजुअली मैंने देखा है 12-13 mm तक भी थोड़ा सा अगर कोई तरह के कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और आदमी दवाई लेता है तो धीरे धीरे घुल जाता है। कुछ रेयर केसेस के अंदर इससे बड़े स्टोन भी लोगों के घुलें। और इसके अंदर एक तो पानी खूब पीजिए, वाटर इंटेक जितना ज़्यादा रखेंगे, यूरिन यानी पेशाब आपको जितना ज़्यादा बनेगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। मेडिसिन की हम बात करें तो इसमें लाइकोपोडियम एक अच्छी मेडिसिन है, उसको 1 mg पोटेंसी में वीक में एक बार एवरी संडे आप सुबह सुबह डायरेक्टली टंग जीप पे ले सकते हैं, दानों में ले सकते हैं। मदर टिंचर में बर्बेरिस वल्गेरिस आप जानते हैं कि बहुत फेमस एक मेडिसिन है होम्योपैथी के अंदर, उसके ऊपर मेरा वीडियो भी बना हुआ है। बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर को आप लीजिए और उसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी में लीजिए। 3 बार नहीं ले सकते तो 15-15 बूंद सुबह शाम 1 कप गुनगुने पानी में लीजिए। इसी तरह से हाइड्रेंजिया मदर टिंचर आता है, उसको भी आप 15-15 बूंद सुबह शाम 1 कप
आप गुनगुने पानी में लीजिए और पानी खूब लीजिए। किडनी स्टोन में क्या क्या नहीं खाना चाहिए इसके ऊपर मेरा एक वीडियो बनाया, वो आप जरूर देखें, क्योंकि किडनी स्टोन के अंदर डाइट और पानी इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो आप देख लें, जिससे बार बार आपको स्टोन या पथरी बनने की जो प्रवृत्ति है वो भी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनु जी का, लिखते हैं मुझे एलोपेसिया टोटलिस है, 60% हेयर लॉस हो चुका है, एज 37 ईयर्स है, मैं डायबिटिक भी हूँ, एलोपैथिक लिया पर आराम नहीं मिला, अब मैं एक ईयर से होम्योपैथिक ले रही हूँ, क्या मैं होम्योपैथी से ठीक हो सकती हूँ? अनु जी आपका क्वेश्चन है कि क्या मैं ठीक हो सकती हूँ, जिसका आंसर है हाँ आप ठीक हो सकते हैं। और एलोपेसिया इराटा टोटलिस इन सब के ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे मैंने कुछ सक्सेस स्टोरीज भी शेयर की। मैं क्या करता हूँ कि कई बार मुझे लगता है कि जो टफ केसेज हैं या जिनमें लोगों को थोड़ा रूटीन में लोगों को लगता है ऐसी टफ बीमारी भी ठीक थोड़ी, तो उसके मैं सक्सेस स्टोरीज मेरे YouTube चैनल पे सेल करता रहता हूं। तो एलोपेसिया सक्सेस स्टोरी या एलोपेसिया इराटा और इस तरह से अगर आप मेरे चैनल पे सर्च करेंगे काफी वीडियोस मिलेंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी क्लिनिक से आप ट्रीटमेंट लोगे तो ठीक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपको कहना चाह रहा हूं आप कोई भी जो डॉक्टर हैं आपके पास अच्छे डॉक्टर हैं, आपको लग रहा है मेरे डॉक्टर थोड़ा सा अच्छे डॉक्टर हैं और प्रॉपर्ली अगर काम हो रहा है तो और थोड़ा रेगुलरिटी और पेशेंस रखिए, क्योंकि थोड़ा क्रोनिक केस होता है तो कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है, इसमें कोई वो घबराने वाली बात नहीं, इन बीमारी में थोड़ा कई बार हमें टाइम देना होता है, लेकिन डेफिनेटली कहने का यही मतलब है जो आपका क्वेश्चन है कि हाँ एलोपेसिया टोटलिस के अंदर होम्योपैथी से डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, आप कंटिन्यू कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमनाथ जी का कि वेरिकोसील पर वीडियो बनाई, देखिए ये काफ़ी क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने इसको लिया। दोस्तों वेरिकोसील पे ऑलरेडी वीडियो है चैनल पे, मेरे चैनल पे आप वेरिकोसील बाय यश होम्योपैथिक सेंटर या वेरिकोसील ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर रावत चौधरी यश होम्योपैथिक सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने सेशन के शुरू में आपको बताया कि अगर आप कोई भी बीमारी है जिसके बारे में जानना चाहते हैं, कोई होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे जाके उसको सर्च करें आपको मिल जाएगा। अगर उन टॉपिक नहीं मिलता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ ये आंसर देने की। और कोई पर्सनल आपको बात करनी है स्पेसिफिक कि हाँ मैं प्रॉपरली बात करना चाहता हूँ तो आप अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। कुल मिला के वेरिकोसील पे वीडियो है आप उसको देख लें, अलग से बनाने की जरूरत नहीं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय जी का, लिखते हैं एक ईयर से मुझे मॉर्निंग इरेक्शन नहीं होता है, प्लीज़ मेडिसिन बताएं। देखिए विजय जी मैंने शुरू में विनय जी शुरू के अंदर बताया था सबसे पहले क्वेश्चन में कि ये इन चीज़ों के अंदर मैंने देखा कि जो यूथ है उनके अंदर ये साइकोलॉजिकल बहुत इश्यूज़ है और इन चीज़ों का मेंटल इश्यूज़ बहुत एक्स्ट्रा और मतलब अननेसेसरी बर्डन लेके बहुत लोग घूमते हैं। 10 में से मैंने देखा कि एटलीस्ट आप मानो कि 5-6 लोगों को तो कोई मेडिसिन की जरूरत ही नहीं होती, उनको सिर्फ सही बताने की जरूरत है कि ये सारी चीजें नॉर्मल है, हर चीज का दवाई की कोई जरूरत नहीं होती, अपना आप सारी चीजें ठीक हो जाती। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो बस उसको अपना सुधारें, अपनी हैबिट्स को अच्छा रखें, खाना पीना अच्छा रखें, टाइम से नींद लें, नाइट में सोने से 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले मोबाइल साइड में रख दीजिए, लेकिन सुबह जल्दी उठ के योगा प्राणायाम करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, योगा नहीं करते तो खेलने जाएं, यंग हैं तो दौड़ने के लिए आप जाएं, खाना पीना अपना अच्छा रखिए और हैबिट्स को अपना अच्छा रखिए। धीरे धीरे बॉडी, अगर आपने कुछ गलती भी की है तो धीरे धीरे बॉडी खराब हुई थी, अच्छी हैबिट्स रखिए, धीरे धीरे बॉडी वापस रिकवर करती है कि नहीं, और ऐसा कुछ भी नहीं। और जो आप बोल रहे हैं मॉर्निंग इरेक्शन नहीं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। फिर भी आप मेडिसिन की बात करें तो इसमें एक अवैना सटाइवा आता है, सिंपल एक जनरल टॉनिक जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं, और बॉडी में अगर आपको लगता है कोई तरह की वीकनेस वगैरह फील कर रहे हैं उसको भी ठीक कर देगा। तो अवैना सटाइवा मदर टिंचर की 10-10 बूंद आप सुबह शाम एक कप गुनगुने पानी में लीजिए, इस पर मेरा अलग से वीडियो बना हुआ है वो भी देख सकते हैं, अवैना सटाइवा मदर टिंचर लीजिए। और बाकी जैसा मैंने बताया हेल्दी हैबिट्स रखिए, सारी चीजें अपने आप ठीक है और नॉर्मल प्रोसेस है, कोई चिंता नहीं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नितिन जी का, लिखते हैं एज 43 है, लो टेस्टोस्टेरोन है, ईडी है, डायबिटीज है। नितिन जी ये क्वेश्चन कई बार मुझसे पूछा जा चुका है और मैं इसका कई बार आंसर भी दे चुका हूँ, मुझे लगता है आप शायद सारे वीडियोस देखते नहीं, आज भी देखेंगे या नहीं देखेंगे मुझे पता नहीं। देखिए इसके लिए ना आपको अपना डायबिटीज़ वगैरह कंट्रोल रखें और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह करें, उससे आपकी मसल्स टोन रहेगी, यानी मसल्स में मजबूती बनी रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन शरीर में प्रॉपर बना रहेगा, अपनी डायबिटीज़ को आप कंट्रोल रखें। और रूटीन में जो मेडिसिन की बात करें तो लाइकोपोडियम आपके लिए एक अच्छी मेडिसिन है, 200 पोटेंसी में वीक में एक बार लीजिए एवरी संडे मॉर्निंग, और टेस्टिस सिकाटी 3x पोटेंसी में लीजिए, 4-4 गोली दिन में 3 बार, एसिड फोर्स मदर टिंचर की 10-10 बूंद आप दिन में 3 बार ले सकते हैं 1 कप गुनगुने पानी के साथ, अश्वगंधा मदर टिंचर की 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी में आप ले सकते हैं। ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, डाइट का ध्यान रखिए, डायबिटीज कंट्रोल रखिए, डेफिनेटली आप देखेंगे धीरे धीरे आपको फायदा मिल रहा है, मेडिसिन अच्छी कंपनी की यूज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रीत जी का, लिखते हैं कि मम्मी को बार बार टाइफाइड हो जाता है, और एक क्वेश्चन और आया हुआ था मैं उनका नाम भूल रहा हूँ कि उनका भी यही क्वेश्चन था कि टाइफाइड बार बार होता है और उसके साथ उनको कॉन्स्टिपेशन भी होता है, तो दोनों क्वेश्चन में एक साथ एड्रेस कर देता हूँ। देखिए टाइफाइड की अगर रिक्रेंस है, यानी अगर वो लोग जिनको बार बार टाइफाइड होता है, अगर उनकी अगर जीभ है जो टंग है वो अगर सफ़ेद है, वाइट कोटिंग है जीभ, और थोड़ा सा मोटे है, ओबेस है, चमड़ी मोटी है, खुद थोड़ा सा मोटे, और वो लोग जिनको टाइफाइड बार बार होता है उनके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है एंटीएम क्रूड।
एनटीएम क्रूड को आपको 30 पोटेंसी के अंदर सुबह शाम लेना चाहिए और थोड़ा खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पानी अच्छा नहीं है, खाने पीने में साफ सफाई नहीं है, मक्खियाँ वगैरह उड़ती है, कुछ करता है, तो उससे भी टाइफाइड बार बार होता है, तो उसका भी हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। और एनटीएम क्रूड आपके लिए 30 पोटेंसी में सुबह शाम अच्छी मेडिसिन है, अगर जीभ आपकी टंग है उसकी वाइट कोटिंग है। तो अगर ऐसे लोग हैं जिनकी टंग जो जीभ है इसकी बात कर रहा हूँ, जैसे आप देखेंगे मेरा टंग बिल्कुल क्लीन है, तो अगर आपकी टंग बिल्कुल क्लीन है या हो सकता है थोड़ा साइनिंग भी आपको दे, उसके साथ अगर आपको थोड़ा बहुत नोजिया वोमिटिंग वगैरह भी फील हो सकता है नहीं हो, लेकिन अगर टंग अगर आपकी क्लीन है और फिर आपको टाइफाइड बार बार होता है, तो उसके लिए अच्छी मेडिसिन है एपिकेक 30, उसको आपको सुबह शाम लेना चाहिए। तो ये दो मेडिसिन है, एंटीम क्रूड और एपिकेक, इसको आप सिंपल टंग या जीभ से भी आप डायग्नोज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इनको यूज़ करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक भाई साहब थे या सर थे जिन्होंने पूछा था कि टाइफाइड बार बार होता है और साथ में कॉन्स्टिपेशन या कब्ज रहता है, तो वो लोग जिनको टाइफाइड के साथ में अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो एंटीम क्रूड या एपिकेक में से कोई एक मेडिसिन ले सकते हैं अकॉर्डिंगली कि जीभ कैसा है, आपका टंग कैसा है। साथ में ब्रायोनिया ले सकते हैं आप, ब्रायोनिया को 200 पोटेंसी में आप रोज शाम को एक बार ले लें, तो आपका कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगा और बार बार अगर आपको टाइफाइड हो रहा है तो उसमें भी हेल्प मिलेगी। और प्लस जिनको कॉन्स्टिपेशन है थोड़ा सा अपना डाइट के अंदर पानी ज़्यादा लें, पानी को गर्म करके उबाल के थोड़ा ठंडा करके फिर आप ले सकते हैं अगर पानी ज़्यादा अच्छा नहीं आता तो, और साथ में फाइबर्स वगैरह ज़्यादा लें, तो दोनों ही चीज़ों में आपको आराम मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है खत्री जी का, लिखते हैं प्रोस्टेट के लिए दवा बताएं। देखिए प्रोस्टेट के अंदर होम्योपैथी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है और यूजुअली मैंने देखा है कि लोगों को कोई तरह का ऑपरेशन या सर्जरी नहीं करवानी पड़ती, लेकिन ये ध्यान रखें कि प्रोस्टेट में कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, सोनोग्राफीज होती है, ये आपको बीच बीच में जरूर करवाते रहना चाहिए, क्योंकि ओल्ड एज के अंदर प्रोस्टेट बहुत से कम केसेस के अंदर, मतलब मुझे लगता है कि हार्डली, मतलब मानो कि आप ज़्यादातर केसेस में नहीं बट रेयर केस के अंदर ही कई बार प्रोस्टेट कैंसरस भी हो सकता है, पर इसमें घबराने की या डरने की 1% की जरूरत नहीं, मुझे लगता है वो रेशियो बहुत कम है कि नहीं। तो आप एक तो इसमें जैसे टेस्ट होता है आपके डॉक्टर आपका करवाते हैं, ब्लड टेस्ट होता है PSA करके, वो करवाते रहते हैं कि हाँ भाई नॉर्मल ग्रोथ है, कैंसर वाली ग्रोथ नहीं, सोनोग्राफी बीच बीच में करवाते रहना चाहिए। अगर नॉर्मल प्रोस्टेट है, कैंसरस नहीं है, तो फिर आप होम्योपैथी ले सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट है। और ज़्यादातर केसेस के अंदर आप मानिए इसमें कैंसर नहीं होता, नॉर्मल होता है एज के साथ, जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं एज के साथ, पुरुषों के अंदर सिर के बाल भी झड़ने लग जाते हैं, तो इसी तरह से हमारे चेहरे के अंदर जो चेंजेस आते हैं, झुर्रियाँ आना है कि नहीं, बाल सफ़ेद होना, इसी तरह से हमारे पुरुषों के अंदर ग्लैंड होता है प्रोस्टेट, वो थोड़ा ढीला पड़ने लगता है, स्वेलिंग आने लगती है और प्रोस्टेट की ग्रोथ होने लगती है। मेडिसिन की बात करें हम इसके अंदर, तो सबाल सेरुलेटा जो मदर टिंचर है वो होम्योपैथी में बहुत फेमस है, या इसका स्पेसिफिक आप कह सकते हैं, और उसकी 10-10 बूंद आप दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी में ले सकते हैं। और बेस्ट है उसके अंदर अच्छी कंपनी का यूज़ कीजिए, जिसमें डॉक्टर रैकबैग, SBL या WSA यूज करता हूँ, आपको लगे तो दूसरी कंपनी भी यूज़ कर सकते हैं। मदर टिंचर को यूज़ करें 10-10 बूंद दिन में 3 बार, सबाल सेरुलेटा, साथ में कोनियम को लीजिए 200 पोटेंसी में सुबह शाम, और साथ में थुजा 200 की वीकली डोज लीजिए, हर सप्ते में एक डोज, संडे मॉर्निंग में एक डोज आपको थुजा 200 लेना, और ये बाकी दो मेडिसिंस लीजिए। पानी खूब पीते रहिएगा, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि प्रोस्टेट वाले लोगों को जब यूरिन की दिक्कत होने लगती है, पेशाब बार बार आना, बूंद बूंद आना, ड्रॉप बाय ड्रॉप आना, खुल के नहीं आना, तो ऐसे लोग यूजुअली पानी कम पीना शुरू कर देते हैं, और जब पानी कम पीना शुरू करते हो तो उसके फिर साइड इफेक्ट आपको आने लगेंगे, आपको स्टोन या पथरी डेवलप हो सकती है, या नेचुरली जब यूरिन कम बनेगा तो आपके किडनी या गुर्दे के ऊपर भी आपको हो सकता है कुछ दिक्कत देखने को मिले। पानी खूब पीते रहिए, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको चेंजेस आ रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरजा जी का, लिखते हैं गले में कुछ अटका हुआ सा लगता है, थूक निकलने में दिक्कत है। देखिए मैं इसके लिए आपको सबसे पहली एडवाइस जो दूंगा वो तो मैं आपको ये दूंगा कि आप एक बार ENT डॉक्टर से जरूर मिले। ENT मतलब ईयर नोज थ्रोट वाले डॉक्टर साहब, ये क्या करते हैं, इनके पास मशीनें वगैरह होती है, उससे आपके गले के अंदर तक देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि गले में अंदर कई बार क्या होता है दोस्तों, मतलब अलर्टनेस बहुत जरूरी होता है आपको, जैसे मैंने प्रोस्टेट में बताया ऐसे इसमें भी बताऊंगा, कई बार हो सकता है कि अंदर कोई ग्रोथ तो नहीं हो रही है, हम ऐसे ही बैठे रहते हैं और अचानक चलता है गले में ग्रोथ बहुत थी, और ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं या कई बार इधर उधर से दवाइयां खा के आते हैं, और 1 साल बाद के साहब हम लोग गले की दवाई खा रहे थे, बाद में पता चलता है अंदर कोई ट्यूमर है, ग्रोथ है। तो डरने की जरूरत नहीं होती, समझने की जरूरत होती है कि पहले डायग्नोज जरूर होना चाहिए कि अंदर ऐसा तो नहीं कोई ग्रोथ है, कोई मास बढ़ रहा है, कोई ऐसी कोई दूसरी दिक्कत तो नहीं है, मेरे को क्यों निकलने में दिक्कत हो रही है, होनी नहीं चाहिए,
किसी भी नॉर्मल आदमी को कुछ भी निकलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर है तो सबसे पहले ENT डॉक्टर से मिले, अंदर से डायग्नोज करवाएं कि अगर वो कहते हैं नहीं सब कुछ नॉर्मल है, चिंता की कोई बात नहीं, तो फिर आपको मेडिसिन उस हिसाब से लेना चाहिए, और अगर है कोई भी तरह की प्रॉब्लम अगर होती है तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बट मैं मान के चलता हूं कि आपके गले में सब कुछ नॉर्मल है और थोड़ा बहुत अगर आपको दिक्कत है, तो ऐसे के अंदर जो मेडिसिन अच्छी वर्क करती है, एक तो बेरेटा का 200 पोटेंसी सुबह शाम लेने से अच्छे रिजल्ट्स देती है, और बेलाडोना 200 पोटेंसी सुबह शाम देने से अच्छे रिजल्ट्स देती है। ये दो मेडिसिन है जो रूटीन में इसमें अच्छे रिजल्ट्स देती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है देवो जी का, एज 25 ईयर्स है, लिखते हैं नाइट फॉल बहुत है और सपने बहुत ज्यादा आते हैं, मेडिसिन बताएं। देखिए देवो जी, नाइट फॉल या सपने बहुत ज्यादा ना, सपना आदमी को तब आएगा जब उसके दिमाग में दिन भर जब जगरा होगा, जब जैसी चीजें चलती है अक्सर वही चीजें आपको नाइट में आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब आप सो रहे होते हो तो वो चीजें आप विजुअलाइज करने लगते हो, जो नहीं होती वो भी आप देखने लगते हो, क्योंकि दिन भर आप जो कल्पना करते हो आपका दिमाग जिधर घूमता है, नाइट में आपको वही चीजें आपके फिर दिमाग में जो कहते हैं आपको एज ए ड्रीम्स आने लगती। तो एक तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अक्सर मैंने देखा है कि आज के यूथ के अंदर मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कई तरह के वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं और भी कई तरह की हैबिट्स पड़ी हुई है, तो कोई भी तरह की गलत आदतें वो छोड़े, मोबाइल या जो अगर अननेसेसरी कोई चीज़ें आप देख रहे हैं तो उनको बंद करें, रात को सोने से पहले 2 घंटे पहले मोबाइल आप बिल्कुल साइड में रख दें, है कि नहीं, और रूटीन में भी उसको कम करें। सुबह मैं बोलूँगा नाइट में जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए, डाइट अच्छी लीजिए, और जैसा मैंने बताया वो वाली हैबिट्स आप चेंज करें, मेडिसिन मैं आपको बताऊँ डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। ये तो एसिड फोर्स मदर टिंचर, उसके आप 10-10 बूंद सुबह शाम 1 कप गुनगुने पानी में लीजिए। एक मेडिसिन आती है नक्स होमिका, उसको 200 पोटेंसी में रोज नाइट में सोने से 1 घंटे भर पहले एक खुराक लीजिए, डायरेक्टली 2 बूंद जीभ पे ले सकते हैं, अगर लिक्विड है तो ग्लोब्यूल्स में आप दानों के साथ ले सकते हैं। ये दो मेडिसिन और थोड़ा सा अपनी हैबिट्स में बदलाव कीजिए, आप अपना आप देखेंगे चीजों में सुधार आ रहा है, कोई चिंता की बात नहीं। मैंने बताया ना हर चीज में मेडिसिन नहीं, मेडिसिन के साथ अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं तो हमें उसको भी इंप्रूव करने की जरूरत होती है, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदीप जी का, लिखते हैं वाइफ को कॉन्स्टिपेशन है, इलाज बताएं। देखिए संदीप जी, अगर प्रेगनेंसी है और कॉन्स्टिपेशन है तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप कोई भी मेडिसिन लें तो प्रॉपरली अपने डॉक्टर से डिस्कस करके लें, अपनी उनकी अगर आपकी कोई गायनेक डॉक्टर है यानी स्त्री रोग महिला रोग विशेषज्ञ मैडम है जिनसे कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो उनके गाइडेंस के बिना भी आप डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं लें, और फिर होम्योपैथिक मेडिसिन उसके अकॉर्डिंगली कंसल्ट करके लीजिएगा। पर मैं मान के चलता हूं अगर प्रेगनेंसी नहीं है और फिर अगर कोई कॉन्स्टिपेशन है, मैं उसके लिए जो बेस्ट दवाइयां होती है वो एक तो एल्यूमिना अच्छी मेडिसिन है, एल्यूमिना को 200 पावर में लेना चाहिए रोज सुबह सुबह एक बार लेना चाहिए, और नेक्स्ट है ब्रायोनिया को भी 200 पावर में दिन में एक बार लेना चाहिए, इवनिंग आवर में ले सकते हैं, साथ में पानी खूब पीजिए। अक्सर वो लोग जो पानी कम पीते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन होता है, फाइबर सलाद वगैरह हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह कम खा रहे हैं उनको कॉन्स्टिपेशन होगा, ऑरेंज या संतरा होता है वो खूब लीजिए, उसका जूस भी आप ले सकते हैं, बाकी बेस्ट मैं कहूंगा उसको हैजे से, आप ऑरेंज या संतरा जो बोलते हैं उसको हैजे से खाएं, लेकिन नहीं पपीता खाने की कोशिश करें, बट प्रेगनेंसी में किसी लेडी को पपीता नहीं खाना चाहिए, अबॉर्शन करवाने का रिस्क रहता है। इन सारी चीजों का ध्यान रखिए, पानी लीजिए, डाइट लीजिए, फाइबर रिच डाइट लीजिए, मेडिसिन लीजिए, डेफिनेटली फायदा हो जाएगा। प्रेगनेंसी है तो डॉक्टर के गाइडेंस के बिना कुछ नहीं लेना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिमूर्ति जी का, लिखते हैं सोराइटिक आर्थराइटिस की दवाई बताइए। देखिए बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है सोराइटिक आर्थराइटिस, लेकिन इसकी जो बेस्ट मेडिसिन मैं आपको बता सकता हूँ, पहली तो है रेडियम ब्रोम, उसको 200 पावर में आपको वीक में एक बार लेना चाहिए एवरी संडे। नेक्स्ट मेडिसिन है मेजेरियम 200 पोटेंसी में, आप सुबह शाम ले सकते हैं, ये इनकी अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों मैंने कोशिश की कि जो ज़्यादातर क्वेश्चन थे, इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैंने जब ये वीडियो तैयारी की थी उस टाइम जितने क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ लेने की कोशिश की, कुछ क्वेश्चंस का वहाँ भी मैंने आंसर दे दिया है। अभी भी आपको लगता है आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो जो कल वीडियो अपलोड करूंगा मैं 9 मई 2020 को, उसमें बात करेंगे कि बीपी को किस तरह से, ब्लड प्रेशर को किस तरह से कंट्रोल रखें, कम से कम दवाइयाँ आपको खानी पड़े, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनका जो आंसर होगा मैं 10 मई 2020 को इसी टाइम आपका सवाल का जो एपिसोड होगा उसके अंदर आंसर दूंगा, आप वहां उसका आंसर देख सकते हैं। और अगर आपको कोई पर्सनल डिस्कशन करना है तो जो मेरा मोबाइल नंबर है 9828541102, उस पर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करके और बात कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको काफ़ी पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।